हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू? माय सेल्फ केम सर, डायरेक्टर नवोदय क्लासेस संबलपुर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। द टॉपिक इज एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। So what do you mean the medical termination of pregnancy? इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके बाद एआरटी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। What are the various method that can be used to implement in the assisted reproductive technology, like the CRRT, GIRP, artificial insemination, embryonic transfer, in vitro fertilization, that is also called the test tube therapy। ये सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस व्हाट इज इनफर्टिलिटी, व्हाट इज फीमेल इनफर्टिलिटी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो मिशन सीएचएससी प्लस टू बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम 2020 कैंसर बायोलॉजी नवोदय क्लासेस संबलपुर। I am doing my MSc MPhil from CNU New Delhi. I am already former faculty at the Allen Career Institute of Kota. So, my dear students, so today we are going to discuss the topic reproductive health. So first of all, I would like to discuss the medical termination pregnancy. So can you tell me what is medical termination pregnancy? क्या होता है? Can you anybody tell me what is the medical termination of pregnancy? Medical termination of pregnancy means abortion. Abortion. So medically beta हम लोग टर्मिनेट कर देते हैं और बिफोर एम्ब्रियोनिक फुली डेवलपमेंट होने से पहले उसको हम टर्मिनेट करते हैं इलेगली, तो उसको हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, एबॉर्शन कहते हैं, जो बिना वजह के हम फीमेल फोर्टिसाइड्स करते हैं। सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसके बारे में आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलते हैं हम लोग आगे की ओर, क्या क्या डिस्कस करना है। ठीक है, सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, क्लियर ऑल ऑफ यू? लिसन व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सो बेटा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड एमटीपी और इंड्यूस द एबॉर्शन। व्हाट इज व्हेन बोथ द मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द डिप्लॉयड जाइगोट। क्या फॉर्म होता है? डिप्लॉयड जाइगोट। आफ्टर जाइगोट के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होता है, ड्यूरिंग द क्लीवेज प्लास्टोमर्स बनते हैं। टू सेल स्टेज, फोर सेल स्टेज, एट सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज। दिस टू टू 16 सेल स्टेज आर कॉल्ड प्लास्टोमर्स। और 16 सेल स्टेज को स्पेशलाइज्ड हम नेमिंग किए हैं ब्लैक मरूला। व्हाट इज मरूला? आफ्टर मरूला 32 सेल स्टेज कॉल्ड गैस्टुला, 64 इज कॉल्ड प्लास्टोमर्स। तो बेटा बिफोर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अगर हम वो फेटस को अनऑथराइज लेके इलीगली अगर हम डिस्ट्रॉय कर लेते हैं तो उसको मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी कहते हैं। मिनिमम अगर देखेंगे ईयरली इन ऑल ओवर द वर्ल्ड 45 टू 50 मिलियन एमटीपी बेटा हो रहा है। 45 टू 50 मिलियन के लिए एवरी वॉल इन द
population. So 1/5 of the total number of conceived pregnancy, जितना भी प्रेगनेंसी पर डे हो रहा है सर वर्ल्ड में, उसका 5 हिस्से का एक हिस्सा पॉपुलेशन हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना सीवियर रिस्क है ये एनपीपी। इसीलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इसके बारे में, क्योंकि बेटा एनपीपी अगर किसेगा तो बहुत मेटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के लिए यहाँ पे हानिकारक, जैसे कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये दोनों का कैसे हम लोग यहाँ पे स्टोरी करेंगे। तो देखिए सिंपली एमटीपी हेल्प टू डिक्रीज द पॉपुलेशन, एनटीपी जो होता है बेटा ये पॉपुलेशन को डिक्रीज करने का काम करता है, ये तो बिल्कुल सही है, कोई इसमें गलत नहीं है। लेकिन मेनी कंट्री हैव नॉट लीगलाइज एमटीपी ड्यू टू इमोशनल इथिकल रिलीजियस एंड द सोशल इशू। सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आस्क्ड हियर इन मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन और सीएचएसई बोर्ड एग्जामिनेशन, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी इन 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमटीपी को ऑथराइज किया विद सम स्ट्रिक्ट एंड कंडीशन टू चेक इलीगल फीमेल फर्टिसाइड। जो इलीगली फीमेल चाइल्ड होने से उसको मार दिया जाता है तो फीमेल की सेक्स रेशियो जो है धीरे 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 ग्रेजुअली डिक्रीज होते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी को 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज किया। इसके बाद आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे द इंपोर्टेंस ऑफ एमटीपी, इंपोर्टेंस ऑफ एमटीपी, व्हाट आर द इंपोर्टेंस ऑफ एमटीपी। अब एमटीपी करने से हमें क्या क्या इंपोर्टेंस मिलता है, तो पहला पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट टू अवॉइड द अनवांटेड प्रेगनेंसी, टू अवॉइड द अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू कैजुअल इंटरकोर्स और फेलर ऑफ द कंट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग कोइटस और रेप्स। बेटा जैसे देखते हो डे टू डे लाइफ में यू नो दैट न्यूज सुनने को मिलते हैं कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाता है, जो रेप केसेस होता है उनके केसेस में अनवांटेड प्रेगनेंसी होता है, तो उसको हम कैसे रोकेंगे, तो उसके लिए हम एमटीपी करने से बेस्ट है ताकि वो प्रेगनेंट नहीं हो सकता मदर। सो इट इज इसेंशियल, बट थिंग इज दैट हम लोग यहाँ पे देखेंगे जी, इट इज इसेंशियल इन केस where continuation of the pregnancy could be harmful to the mother of the fetus or boy. लेकिन यहाँ पे सबसे essential है कि mother और fetus दोनों को बेटा harmful हो सकता है। इसी का केसेस में हम इसका रूल देखेंगे कि कौन कौन सा केसेस में हम लोग MTP को मतलब implement कर सकते। So, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये प्लासेंटा है, ये डायग्राम में अंदर देख रहे हो एम्ब्रियो है ये वाला, ये आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करते हैं इसका प्रोसीजर देखेंगे। तो मेडिकल में इम्पोर्टेंट है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच आर कम इन योर मेडिकल एंट्रेंस, दैट इज द क्वेश्चन कम लाइक एमटीपी कौन सी ईयर में हुआ था, तो द करेक्ट आंसर इज 19, क्या है वहां क्या लिखेगा 1971। अदर इंपोर्टेंट क्वेश्चन इज आपको पूछेगा एमटीपी आर सेव ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, हमारे बेटा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में तीन स्टेजेस होते हैं आपको देखने को मिला होगा, क्या क्या, पहला 3 मंथ, फर्स्ट 3 मंथ इज कॉल्ड फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, क्या कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं।
नेक्स्ट थ्री मंथ इज कॉल्ड, मतलब 3 to 6 month को हम क्या कहते हैं बेटा, सेकेंड ट्राइमेस्टर कहते हैं. क्या कहते हैं? सेकेंड ट्राइमेस्टर कहते हैं. और नेक्स्ट बेटा हम लोग 6 to 9 month को क्या कहते हैं बेटा, हम लोग क्या कहते हैं जी, इसको थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं. क्या कहते हैं? थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं. ठीक है ना बेटा. सो टोटल लगभग ना बेटा आपको कितने समय लगते हैं बेटा, कितने समय लगते हैं? 9 month लग जाते हैं. कितना लगते हैं? 9 month. एक प्रेगनेंसी को होने के लिए आपको कितने लगते हैं? 9 month लगते हैं एक फीमेल को फूली फोइटस को डेवलपमेंट करके पार्चुरेशन करने के लिए. इट टेक्स 9 month. सो हम लोग यहाँ पे बेटा जानते हैं कि पहला 3 महीना को फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, दूसरा 3 महीना को सेकेंड ट्राइमेस्टर, तीसरा 3 महीना को थर्ड ट्राइमेस्टर. तो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट जो कंसेप्ट है कि फर्स्ट 3 month जो होता है बेटा ट्राइमेस्टर, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एमटीपी. अगर इसी ट्राइमेस्टर में अगर हम एमटीपी करेंगे तो मदर और चाइल्ड दोनों सेफ रहेंगे, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. अगर सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में हम लोग अगर एमटीपी को यूज करेंगे सो इट मे बी हाई रिस्क टू बोथ द मदर और चाइल्ड. सो दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट. सो एमटीपी जो ऑन इसेंशियल प्रेगनेंसी होते हैं, रेप केसेस हो गया, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गया, किसी ने किसी से कोइटस कर लिया, बच्चे पैदा कर लिया, तो कोई छोटे बच्चा चाइल्ड केसेस बेसिक केसेस पे होता रहता है. तो वहां पे क्या होता है बेटा, फीमेल जाके अबॉर्शन कर लेता है, अपना बच्चा गिरा देता है, तो उसको हमें रोकना है क्योंकि अगर वो सही टाइम पे नहीं कर रहा है तो वो दोनों मैटरनल और फेटल दोनों के लिए मतलब दिक्कत क्रिएट कर सकता है ना. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, द एमटीपी आर सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 week, मतलब 12 हफ्ते. 3 महीना के अंदर अगर हम लोग एमटीपी कर ले तो मदर और फेटस दोनों के लिए सही सलामत बरकत है. और अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर हम लोग एमटीपी करते हैं या एबोर्शन करते हैं, दिस इज हाईली रिस्की. सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. Already in 2016 NEET, the question came, the safe period of the MPP is how much? So that is the 12 week. How much? 12 week. This is most important question. So kindly remember. Clear all of you guys? Very good. Next hum log dekhenge beta yahan pe medical termination of pregnancy. इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हम लोग फेस कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है फीमेल बॉडी. सो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या क्या हो सकता है. पहला कंसेप्ट है प्रॉब्लम रिलेटेड विथ एमटीपी. मेजोरिटी ऑफ द एमटीपी आर परफॉर्म इलीगली. बहुत सारे एमटीपी बेटा इलीगली किया जाता है, मेडिकल काउंसिल के रूल और रेगुलेशन से बाहर किया जाता है. उनको नहीं पता होता है कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए. दूसरा मिसयूज ऑफ एमिनोसिंथेसिस. सभी को पता है बेटा एमिनोसिंथेसिस एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आप सभी को पता है ये एमिनोसिंथेसिस मेथड है. तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि एमिनोसिंथेसिस में आपन ने क्या पढ़ा था, इट इज ए टेक्निक और मेथड इन व्हिच मेथड वी कैन डिटरमाइन द क्रोमोसोमल और जेनेटिकल डिसऑर्डर बिफोर द पार्चुरेशन. अब बिफोर द पार्चुरेशन जो क्रोमोसोम्स नंबर में डिलीट होना, सेग्रीगेट होना और एडिशन होना या कोई भी डीएनए की बेस पेयर चेंजेस हो जाना, इसमें हम लोग पढ़ाई करते हैं ताकि वो बच्चा एबनॉर्मल हो. तो उसी एबनॉर्मल कंडीशन से नॉर्मल कंडीशन में बनाने के लिए, दिस एबनॉर्मल टू नॉर्मल कंडीशन में बनाने के लिए बच्चा को हम क्या करते हैं, एमिनोसिंथेसिस करते हैं. द
ताकि इसी टेक्निक और माध्यम से हम क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड प्लासेंटा से उल्ट्रा करके हम स्टोरी करते हैं और जानते हैं कि बच्चे के पास कौन सी क्रोमोसोम्स नंबर और डीएनए नंबर में चेंजेस हुआ है या डेफिशिएंसी है, ताकि उसको जीन ट्रांसफर मेथड के माध्यम से हम रिप्लेस करके एक न्यू जीन को इंसर्ट कर लेते हैं, ताकि आप वो बच्चा को नॉर्मल प्रोड्यूस कर सकते हैं और एक फीमेल कंसीव कर सकती है नॉर्मल डिलीवरी। इज इट क्लियर व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू माय डियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या हो सकता है? एमटीपी के थ्रू से लोगों ने अमीनो सिंथेसिस का मिसयूज किया। 1971 में जब एमटीपी को लाया गया, उसी समय ही 1971 में अमीनो सिंथेसिस मेथड की डिस्कवर किया गया, लेकिन there are lots of people, so they can misuse the aminosynthesis. They can determine the sex determination to kill the female podocytes to decrease the ratio of the female side. So this is the biggest problem in that time in our country. So that's why the Indian government, they have to decide to stop and ban the aminosynthesis at the time in 2005. So 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमटीपी को बैन कर दिया ताकि फीमेल पोटिसाइड्स को रोक सके। Is it clear, my dear students? Okay. Here also questions, maybe one or two questions may become in your aims or NEET exam. So you have to read properly or through the line by line NCERT. All the points are very, very important, because if you read 4 to 5 times NCERT, and at least per day you have to practice 100% from every chapter in biology. So if you practice a lot of MCQ questions, so that's why your fundamental or basic concepts are clear. If you clear once your fundamental or basic concept, so after, nobody can stop you. Whatever you can do in your life, you can just read the biology and aapko story type ka lagega, macha aayega padhne mein, cheezon ko yaad rakhne mein. So hame long lasting ke liye cheezon ko yaad rakhna hai, to apan ko concept ko clear hona very very zaruri hota hai. So phir dekhenge beta, dekh sakte hain yahan pe to kya kya gaya tha yahan pe, aap log dekh sakte hain. सबसे अधिक इंपोर्टेंट यहाँ पे है बेटा, एमिनोसिंथेसिस के माध्यम से लोगों ने सेक्स डिटरमिनेशन किया, और सेक्स डिटरमिनेशन करके उन्होंने फेटस को क्या क्या फीमेल फेटसिस की। सो दिस इज हाईली डेंजरियस फॉर द यंग मदर एंड फेटस। तो बेटा ये क्या होता था, दोनों मदर और फेटस के लिए ये बहुत 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 मतलब क्या है, सीवियर था। इसीलिए ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज एमिनोसिंथेसिस? सो ऑल ऑफ यू नो दैट एमिनोसिंथेसिस इन दिस फॉर्म एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द फेटस इज टेकन टू एनालाइज द फेटल सेल एंड डिसॉल्व द सब्सटेंसेस, बिकॉज़ इट इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द फेटस। So can you get me some example of the genetic disorder? You have to already read in second year biology, human health and diseases. You know that the disease can be broadly two types, the congenital or the acquired disease. Congenital diseases means the disease can be occur before the birth, or the acquired disease means the disease can be occur after the birth. You know that. So I give you example like the some genetic disorder or chromosomal disorder like the hemophilia, sickle cell anemia, color blind, cystic fibrosis, phenylketonuria, thalassemia, Turner syndrome, Down syndrome, spinocerebellar syndrome, accident. तो ये सारे जो disorder थे इसको हम इसके माध्यम से cure कर सकते थे, aminosynthesis। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग medical termination of pregnancy। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात रही यहाँ पे कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
is enact the medical termination pregnancy amendment act 2017 2017 में इसको फाइनली पूरी सपोर्ट के साथ इंप्लीमेंट किया ताकि टू रिड्यूस द इलीगल एबॉर्शन एंड कंसीक्वेंट ऑफ द मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। 2017 में फाइनली इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोड्यूस किया और इंप्लीमेंट किया कि एएमपीपी के माध्यम से जो इलीगल एबॉर्शन और मैटरनल मोर्टेलिटी जो हो रहा है इसको हम हटा सकते। सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट प्रेगनेंसी मेन बी टर्मिनेटेड विद इन द फर्स्ट, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को फास्ट हुई फास्ट 12 वीक मतलब फास्ट ट्रांसफर के अंदर ही करना पड़ेगा रजिस्टर करके मेडिकल प्रैक्टिस करना। अगर आपको मतलब एमटीपी करवाना है तो डॉक्टर के पास जाना है रजिस्टर करना है और बिफोर 3 महीने होने से पहले 12 हफ्ता होने से पहले आपको टर्मिनेट करना पड़ेगा अबॉर्शन। आफ्टर दैट इट इज हाईली रिस्क बोथ द मदर और फादर सो इट इज ऑन ऑथराइज। सो द प्रेगनेंसी इज बिटवीन 12 टू 24 वीक्स टू रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर मस्ट बी ऑफ द ऑफिस। और अगर 12 से 24 वीक हो गया है और आपको एबॉर्शन करवाना है तो वहां पे दो दो मेडिकल प्रैक्टिशनर से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर वो दोनों सहमत हो गए ठीक है आपकी बेटा या बेटी ये फेटस को रिक्स नहीं है या मदर को रिक्स नहीं है तो उसी केसेस में हम कर सकते हैं तो वहां पे ये किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं दिस इज द टेक्निक व्हिच आर द एमिनोसिंथेसिस का मेथड है ये वाला आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से देख सकते हैं क्या क्या है कैसे हम सीरिंज के माध्यम से एमनियोटिक फ्लूइड को विड्रॉ करके सारे काम कर सकते हैं। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। तो आगे चलते हैं। तो ये बेटा एमटीके का क्वेश्चन था मैंने आपको बता दिया यहाँ पे सेफ पीरियड कितने समय है 12 वीक्स आप लोग लिख सकते हैं कब हुआ था एमटीपी 1971 में लेकिन 2017 में पूरी इसको इंप्लीमेंट किया गया था और इसमें एबॉर्शन को जो होता है लीगली उसके बारे में ही मैसेज नहीं होने के लिए बुलाया गया था एमिनोसिंथेसिस इसके बारे में। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक लाइक द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सो कैन यू टेल मी एनीवन व्हाट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड You know that sexually transmitted disease is highly prevalent because it can be transmitted by the flow of body fluids like the lymph and the blood or the liquidity substances like the milk. So it is not an infectious disease like that. The disease can be transmitted by the flow of contaminated air, food and water. Not. It is also one type of infectious or communicable disease because the disease can be transmitted from one person to another person easily by the through the contaminated body fluids like lymphs and blood. This is 100% true. But always remember it what I am talking to you, my dear friend. क्या होता है जब भी sexually transmitted disease देखेंगे आप कोई भी sexual contact के माध्यम से disease transmit. तो क्या क्या होता है बेटा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैसे ट्रांसमिटेड होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है दिस डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। All of you clear? Or this disease is called venereal disease or reproductive tract infectious disease. All of you clear? So I give you example of some sexually transmitted disease. Persons may be coming your medical and both the CHSC board examination in biology also. So remember it what I'm talking to you. The example of some
sexually transmitted diseases like that, gonorrhea, syphilis, genital herpes, chlamydomonas, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B, HIV leading to AIDS. These all are the example of sexually transmitted disease. So always most remember it is highly important. So example may be remember it. Because questions already come in your medical exam. Is it clear? So you देख सकते हैं बेटा ये diagram में देखो ये diagram में कैसे syphilis होने से ज्यादा करके lips related disease और skin related होता है ज्यादा करके एक से ज्यादा बंदे को अगर lip की कीजिएगा तो यही हालत होगा आपका. दूसरा है gonorrhea. टोंग का नीचे भाग में ऐसे हो सकता है आपका ये पिक्चर देख सकते हैं. दिस इज gonorrhea. जेनेटल हार्पस होने से भी ऐसे आपका जो सेक्स ऑर्गन है पेनिस या जो आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन जो वेजिना सर्विक्स है यहाँ पे ऐसे रूडिमेंटरी हो सकता है या जेनेटल वार्स होने से भी आपका ऐसा हो सकता है. तो दिस इज हाई डिग्रीज सो ऑलवेज बी केयर. क्लियर? नेक्स्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्यों होता है. What are the major causes of the sexually transmitted disease? You already read the AIDS, acquired immunodeficiency AIDS. AIDS is caused by the pathogens like the retrovirus, and that pathogen is also called the HIV, human immunodeficiency virus. It is highly responsible to cause the AIDS, acquired immunodeficiency. It is also one type of infectious disease. Because the disease can be transmitted through the contact of body fluids like the blood and veins. So here, what are the causes of STD? क्या क्या चार वजह होते हैं? The first cause of the STD is unprotected sex with an infected partner, or you can say the sexual intercourse with unknown partner. और सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द मल्टीपल पार्टनर. आप किसी को जानते नहीं है उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स. अगर उनको पहले से एड्स हुआ है तो उनका बॉडी सीमेन के माध्यम से आपके पास ट्रांसमिट हो सकता है. सेकंड, शेयरिंग ऑफ नीडल्स विद इंफेक्टेड पर्सन. आपने किसी इंफेक्टेड पर्सन को यूज किए हो सिरिंज और उसी सिरिंज को अगर एक नॉर्मल पर्सन को फिर इंजेक्ट करते हो बेटा तो वहां पे आपको ये डिजीज ट्रांसमिटेड होने का ज्यादा संभावना होते हैं. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? और वेरी गुड. नेक्स्ट द थर्ड कॉज इज ट्रांसमिशन फ्रॉम इन्फेक्टर मदर टू फेटस. क्या है बेटा? आप इन्फेक्टेड मदर्स को ही होगा उसका मिल्क आप अगर चाइल्ड को अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हो तो ट्रांसमिट हो सकता है. या बिफोर द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की अगर बात करें तो मान लीजिए अगर फीमेल को हो गया है तो उसका बच्चा को भी ट्रांसमिट होने का चांसेस होता है बाय द फ्लो ऑफ प्लासेंटा. बिकॉज़ दे कैन प्रोवाइड द नरिशमेंट और न्यूट्रिएंट्स थ्रू द मीडियम ऑफ प्लासेंटा टू फेटस बाय द अम्बिलिकल कॉर्ड. नेक्स्ट देखेंगे हम लोग बेटा इन्फेक्शन फ्रॉम ब्लड और ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉर्मल पर्सन. अगर हम किसी को ब्लड डोनेट करते हैं और एक अगर इन्फेक्टेड पर्सन से अगर नॉर्मल पर्सन को हम अगर ट्रांसमिट कर रहे हैं ब्लड तो उसी का केसेस में क्या होता है बेटा आपका ये केसेस के डिजीज आपका हो सकता है. ठीक है. सो हेपेटाइटिस बी और एचआईवी आर आल्सो ट्रांसमिटेड.
हेपेटाइटिस बी और एचआईवी जो एड्स का होता है, ये भी ऐसे ट्रांसमिटेड होते हैं। तो बेटा क्या क्या हमने डिस्कस किया, शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, दूसरा बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड इसके माध्यम से, तीसरा फ्रॉम इंफेक्टेड मदर टू फेटस ब्रेस्ट फीडिंग इसके माध्यम से भी, ठीक है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो आप, दैट इज पेस जेनिटल हर्पेस एचआईवी, दिस अदर डिजीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीट प्रॉपरली। अगर हमने इसी डिजीज को बेटा अर्ली अगर डिटेक्ट करेंगे और इसको ट्रीट करेंगे तो इट में भी हमने इसको ट्रीटमेंट कर सकते। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होगा तो बेटा क्या क्या सिम्टम्स होने का संभावना, फीमेल में अगर हम लोग देखेंगे नॉर्मल प्रेगनेंसी में कैसा स्टेजेस होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जो आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या सिचुएशन है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नॉर्मल प्रेगनेंसी मतलब क्या है बेटा, द ब्लास्टोसिस्ट कैन बी डेवलप इनसाइड द यूटेरस, बट एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब क्या है, द ब्लास्टोसिस्ट डेवलप आउटसाइड द यूटेरस नॉट इनसाइड द यूटेरस। अगर आउटसाइड द यूटेरस अगर वो डेवलप हो जाता है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है, उसका केसेस में मदर को सीवियर प्रॉब्लम हो सकता है, मरने का चांसेस होता है, मैटरनल मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में भी बढ़ सकता है। तो सिम्टम्स में भी देखेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का, यहाँ पे आप लोग सिम्टम्स बेटा देख सकते हैं क्या क्या सिम्टम्स डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो अर्ली सिम्टम्स आपको इचिंग होगा, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, स्लाइटली पेन होगा, स्वेलिंग होगा, जेनिटल रीजन में आपका दर्द होगा, महसूस होगा, ये सब आपका रीजन है। और एब्सेंस और लेस ऑफ सिग्निफिकेंट अर्ली सिम्टम्स इन द सोशल स्टिग्मा देता है इंफेक्टेड पर्सन टू द कंसल्ट डॉक्टर। तो ये अर्ली सिम्टम्स आपको अगर देखने को मिल रहा है तो पहले से डॉक्टर को आप कंसल्ट कर लेना बेहतर है, और दिस लीड्स टू द कॉम्प्लिकेशन ऑफ, हम लोग अगर कहेंगे तो फीमेल में ज्यादा करके पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज पैदा कर सकता है, फीमेल का जो पेल्विक है इसको एक डैमेज कर सकता है, एबॉर्शन, स्टिलबर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और कैंसर जैसा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डिजीजेस आपको होने का ज्यादा संभावना। क्लियर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, हाउ टू यू कैन कंट्रोल एंड प्रिवेंट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो बेटा यहाँ पे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, सो काइंडली रिमेम्बर दिस पॉइंट। सो पहला पॉइंट क्या है बेटा, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर एंड मल्टीपल पार्टनर, तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो है उसको हम अवॉइड करेंगे अननोन पार्टनर जिनसे हम जानते नहीं है, या मल्टीपल पार्टनर मोर देन टू पार्टनर के साथ सेक्स करना अवॉइड करना चाहिए। और ड्यूरिंग द कोइटस हम ऑलवेज यूज द कंडम ड्यूरिंग कोइटस, कोइटस जस्ट कोइटस करने से पहले हम मेल या फीमेल कंडम जो भी है बैरियर वेसल का उसको यूज करना चाहिए, ताकि उसको यूज करके हम अगर काम करेंगे तो हमें विक्सी लेवल जो है वो लो हो जाएगा। इसके बाद इन केस ऑफ डाउट गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर और अर्ली डिटेक्शन एंड कंप्लीट। तो क्या है बेटा, अगर इनके सब आपको अगर डाउट लग रहा है कि मैंने ऐसे कुछ किया है तो आप जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, अच्छे डॉक्टर है, जो इनका एक्सपर्ट है, उनका नॉलेज है, उनके पास आप सिम्प्टम्स आइए, अपना प्रॉब्लम बताइए और आर्मी जितने सुविधा हो सके अपने ताकि आप जो हो सके, बिकॉज एड्स का जो सिम्टम्स होते हैं 5 से 10 साल इसका टाइम लग जाता है इसका सिम्टम्स एक्टिवेट होने में, और इसका कोई परमानेंट ड्यूरेबल मेडिसिन या एंटीबायोटिक या वैक्सीन अभी तक भी वर्ल्ड में कोई भी WHO हो या कोई भी हो नहीं बना पाया है, इसीलिए इसके प्रति में अवेयरनेस होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर अगर देखेंगे ऑल पर्सन आर परमिएबल टू STD,
These are very high among person with the age of 15 से छोटे और इस सारे person के लिए भरनीय पूल है और 15 से 24 साल वाला जो बच्चा होते हैं उनके लिए this is highly pertinent. तो इसी cases में हमें इन एज ग्रुप का बच्चे को भी अवेयर करना अवेयरनेस करना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट टॉपिक में बेटा हम लोग देखेंगे इनफर्टिलिटी. क्या पढ़ेंगे बेटा? इनफर्टिलिटी के बारे में. सो इनफर्टिलिटी एक्चुअली होता क्या है? व्हाट इज इनफर्टिलिटी? सो बेटा इनफर्टिलिटी जो भी होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं. ये इनफर्टिलिटी जो मैंने आपको बता रहा है ये मेल या फीमेल किसी में आइदर मेल में भी हो सकता है और आइदर इन में भी आकर इन फीमेल मेल इनफर्टिलिटी फीमेल. लेकिन सीएचएससी बोर्ड 2020 बायोलॉजी एग्जाम में ज्यादा करके इम्पोर्टेंट था व्हाट इज फीमेल इनफर्टिलिटी. ठीक है, क्वार्टर तक का जैसा फीमेल इनफर्टिलिटी. लेकिन मेडिकल में कई ऐसे भी क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं जिसको यहाँ पे ध्यान रखना है आपको. एमपीपी सॉरी इनफर्टिलिटी में ज्यादा करके बेटा यू नो दैट मेल गैमेट ऑलवेज स्मॉलर एंड मोटाइल इन नेचर होते हैं जबकि फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल एंड लार्जर. अगर मेल गैमेट की मोटिलिटी अगर घट जाता है उसी के रीजन में क्या होता है वो ऑव्यूम के साथ फर्टिलाइज नहीं कर पाता तो यहाँ पे इनफर्टिलिटी का चांसेस देखने को मिलते हैं. या सेकंड केसेस अगर देखेंगे बेटा जो मेल गैमेट होता है वो तो मोटिलिटी घट जाता है स्पर्म और अगर और दूसरा है अगर कैस्ट्रेशन होता है कैस्ट्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ टेस्टिस. अगर रिमूवल ऑफ टेस्टिस होगा उसको कैस्ट्रेशन कहेंगे. रिमूवल ऑफ यूटेरस उसको हिस्टेरेक्टोमी कहेंगे. तो बेटा कैस्ट्रेशन होने से क्या होगा लॉस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होंगे मेल में. स्पर्म प्रोडक्शन घट जाएंगे धीरे धीरे ग्रेजुअली रिड्यूस हो जाएंगे. तो स्पर्म की मतलब प्रोडक्शन भी घट जाएगा तो वहां पे मतलब चांसेस या फीमेल के केसेस में देखेंगे उनका जो ओवरी के भीतर जो ग्राफियन फोलिकल होता है वो ग्राफियन फोलिकल या ओवरियन फोलिकल को अगर खराब हो जाता है या रूडिमेंटरी हो जाता है तो उनका केसेस इनफर्टिलिटी होता है. जैसे कि मैं और भी वजह बताना चाहता हूँ अगर कोई फीमेल ड्रग्स लेता है अल्कोहल कंज्यूम करता है उनका केसेस में बेटा ये ज्यादा देखने को मिलता है इनफर्टिलिटी होने का. ठीक है ना? तो इसके बारे में इनफर्टिलिटी के बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्या क्या होता है. तो देखिए बेटा इनफर्टिलिटी का मीनिंग एग्जैक्टली आप क्या समझते हैं मैं वो पहला आपको बताना चाहता हूँ. देखिए यहाँ पे इट इज द इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस द चिल्ड्रेन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल. आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉर्मली नेचुरली जैसे करते हैं किए एक फीमेल को आपने किया ठीक है लेकिन फिर भी वो एबिलिटी नहीं हो पाई कंसीव करने के वो फर्दर वो जायगोट को डेवलप करने के फर्टिलाइज करने के वो द मेल और फीमेल के आने के. तो वो केसेस में क्या है 2 साल तक अगर आपने सेक्स किया कोइटस किया और आपकी बीवी में अगर देख के कुछ नहीं हुआ तो आप जान सकते हैं कि कुछ ना कुछ रीजन है प्रॉब्लम है कि ऐसा हुआ. फिर देखेंगे द रीजन फॉर दिस में भी क्या क्या रीजन हो सकता है. कोई फिजिकल रीजन हो सकता है कोई कंजेंशियल डिजीज का रीजन हो सकता है कोई ड्रॉग्स लेने का रीजन हो सकता है इम्यूनोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी होता है. ये सब डिफरेंट वजह है जिसके वजह से फीमेल में इनफर्टिलिटी हमें देखने को कभी कभी मिलते हैं. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट. आफ्टर चैप्टर रीड करने के बाद क्या सब क्वेश्चन को मोर प्रैक्टिस करते रहेंगे. जितने से जितने अधिक क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतने आपका बेस और कंसंट्रेशन बढ़ेगा. इज इट क्लियर? वेरी गुड. तो नेक्स्ट बेटा हम लोग देखेंगे दिस डिसऑर्डर कैन बी क्रिएटेड इन इनफर्टिलिटी क्लिनिक इन यूजिंग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एआरटी. तो बेटा ये डिजीज को हम कैसे क्योर कर सकते हैं बेटा? एक मेथड है वो है कौन सी मेथड बेटा? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. क्या है? एआरटी. असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड जिसमें कि बेटा हम फीमेल इनफर्टिलिटी को क्योर कर सकते हैं और फर्दर वो फीमेल को हम लोग बच्चा प्रोड्यूस करवा सकते हैं. तो क्या क्या होता है देख लेते हैं बेटा.
आज इस चैप्टर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. इज इट क्लियर? एनी डाउट बेटा, एनी क्वेश्चंस यू गो हैव टू आस्क. ठीक है, अब देखिए बेटा, what are the different types? This is most important courses because already come in your previous years medical entrance, like AIPFT, NEET or AIMS, JIP, or UAP like that, etc. So those who are appearing 2020 NEET examination, this is most important point. Here the questions may become very very IMP, very very IMP. अरे समझे कि नहीं? समझ गए ना? Very very important बेटा ये. यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर आएंगे मेडिकल में, देख लीजिएगा. अपन बोल दिया ना 2020 में आएगा, तो यूं ही पढ़ लीजिए, छोड़िए मत, स्किप मत कीजिए. एनसीईआरटी का अप्रैल लाइन इंपोर्टेंट है बेटा, ठीक है ना? तो चलिए देखते बेटा, व्हाट आर द डिफरेंस मेथड ऑफ क्या, व्हाट आर द डिफरेंस मेथड ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी टू क्योर द इनफर्टिलिटी. सो दिस टेक्नोलॉजी used to correct the infertility problems. क्या है बेटा? Infertility problems को correct करने के लिए आप यूज करते हैं. पहला मेथड क्या है बेटा? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं. क्या देख सकते हैं बेटा? पहला मेथड क्या है? यहाँ पे देखिए, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर. क्या है बेटा? गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. दूसरा मेथड क्या है बेटा? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पोर्म इंजेक्शन. क्या है बेटा? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पोर्म इंजेक्शन. तीसरा एआरटी क्या बेटा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. क्या बेटा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको अपन क्या कहते हैं बेटा? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहते हैं. जैसे शाहरुख खान ने अपना तीसरा नंबर बच्चा किया. चौथा क्या बेटा? हमने देखेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. क्या बेटा? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. पांच में क्या बेटा? हम देखेंगे सरोगेसी. क्या बेटा? सरोगेसी. ठीक है, तो ये पांच डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेटा मेथड हम देखेंगे. और यहाँ पे एक छोड़ दिया है बेटा, वो क्या है? जेड आई एफ टी है. क्या है बेटा? जेड आई एफ टी. और एक मेथड यहाँ पे नहीं लिखा है बेटा, जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, अदर वन इज एम्ब्रियोनिक ट्रांसफर. दिस इज आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटा. ओके, इसके बारे में भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. अरे चलो, समझे कि नहीं? ओके, वेरी गुड. तो आगे देखिए बेटा, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस कर लेंगे. क्या क्या डिस्कस कर लेंगे बेटा? देखो क्या क्या डिस्कस करते हैं यहाँ. तो पहला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बेटा. क्या है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? मींस टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. इसमें क्या करते हैं बेटा, हम जस्ट स्लाइडली पूछ नहीं, यहाँ पे आप लोग को मैं बता सकता हूँ, यहाँ पे पूछ नहीं, जस्ट क्या कीजिएगा आप, क्या कीजिएगा रे? अरे बताओ रे, जस्ट यहाँ पे आप पूछ नहीं, एक टेस्ट ट्यूब लीजिएगा. दिस इज वन टाइप ऑफ टेस्ट ट्यूब. और इसी टेस्ट ट्यूब में आप क्या कीजिएगा बेटा, इसी टेस्ट ट्यूब में देखो, इसी टेस्ट ट्यूब में आप क्या कीजिएगा, जो ओव्यूम है और जो मेल गैमेट स्पोर्म है, ठीक है, ये दोनों को आप आर्टिफिशियली एक्सटर्नल बॉडी, द फर्टिलाइजेशन कैन बी आउटसाइड द बॉडी, मतलब ये टेस्ट ट्यूब के माध्यम से हम क्या करेंगे बेटा, ये ओव्यूम को और स्पोर्म को, ओव्यूम प्लस स्पोर्म को फर्टिलाइज करके हमने क्या बनाएंगे बेटा, जायगोट बनाएंगे. क्या बनाएंगे? जायगोट. और ये जायगोट को अप टू 8 ब्लास्टोमर्स और मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स करके फिर यूटेरस में हम क्या करेंगे बेटा, इम्प्लांट करेंगे. क्या करेंगे? इम्प्लांट करेंगे, जिसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? इम्प्लांटेशन. तो याद रखिएगा, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेटा क्या क्या पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, देखते रहिए, जल्दी जल्दी लास्ट टॉपिक है, कंप्लीट हो जाएगा. सो इन दिस मेथड ओवा फ्रॉम द वाइफ डोनर और स्पर्म फ्रॉम द डोनर मेल. जो मेल और फीमेल केसेस इंपोर्टेंट हैं, उनका केसेस हम क्या करेंगे, डोनर मेल और फीमेल से ओवा ओव्यूम और स्पर्म को कलेक्ट करेंगे और उसको कलेक्ट करके क्या करेंगे बेटा, जायगोट बनाएंगे अंडर द स्टिमुलेट कंडीशन इन द लेबोरेटरी. लेबोरेटरी का कंडीशन में जायगोट बनाएंगे और उसको फिर हम लोग एम्ब्रियो
ग्रोथ करवा के उसको हम लोग क्या करेंगे, यूटेरस में इम्प्लांट कर देंगे। तो बेटा इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको एम्ब्रियोनिक ट्रांसफर भी कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। सो टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोनिक ट्रांसफर, कितने प्रकार का होते हैं एम्ब्रियोनिक ट्रांसफर? तो एक होता है बेटा जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, अदर वन इज इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर होता है। एम्ब्रियो को दो तरीके से हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, एक कलेक्शन ऑफ एक फ्रॉम फीमेल डोनर, इधर देखो बेटा कलेक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल डोनर। तो कलेक्शन ऑफ एक फ्रॉम फीमेल और कलेक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल, अब दोनों को क्या किया बेटा, पेट्री डिश में हमने लिए और दोनों को टेस्ट ट्यूब के माध्यम से फर्टिलाइज किए। अब यहाँ से बेटा हमने क्या किया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बेटा, यहाँ से हमने क्या किया, एम्ब्रियो बनाया अप टू, और इसको बेटा फिर क्या किया, यूटेरस में हमने इम्प्लांट किया। सो इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा, एम्ब्रियो ट्रांसफर भी कह सकते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर बेटा आपके फिर ध्यान से सुनिए, इंटरेस्टिंग है बायोलॉजी, इसे कुछ नहीं है बेटा, बहुत मजेदार है। अरे अगर जिंदगी में सोच लिया ना भाई अपन कुछ करेगा, मेडिकल मिलेगा, एम्स में पढ़ना है, एम पर एम्स दिल्ली, सो योर टारगेट इज टू सिक्योर वेरी गुड रैंक इन मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन 2020। इफ यू वांट देन कैच मी, आपको अगर चाहिए आप पकड़ लीजिए, शेप योर करियर एज अ डॉक्टर। अभी से आप अगर नहीं कीजिएगा ना तो आप पछताइए, वो वक्त आने मत दीजिए। आप अपने अंदर हौसला बढ़े, अपने अंदर फेथ रखे, विश्वास रखे, कॉन्फिडेंस रखे, अपने आप पे भरोसा रखे, डेफिनेटली यू हैव टू स्कोर वेरी गुड नंबर इन नीट एग्जाम 2020। आउट ऑफ 720 यू मस्ट बी स्कोर मिनिमम 600+, दिस इज गारंटी, माय ओपिनियन, आई कैन प्रॉमिस। बस मैं जितना बड़ा उत्तम पढ़ा, सो फिर देखते हैं बेटा आगे क्या होता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया बेटा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का टेस्ट ट्यूब बेबी में कैसे करते हैं। फिर अगर हम लोग यहाँ पे अगर चर्चा करेंगे बेटा, यहाँ पे अगर देखेंगे जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, तो हमने क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑफ जायगोट और अर्ली एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोमर्स इनटू फेलोपियन, हम क्या करेंगे जायगोट बनाएंगे, जायगोट को या अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमर्स लेंगे, हम क्या करेंगे जायगोट बनाएंगे मेल और फीमेल का लाके टेस्ट ट्यूब में, आप वो जायगोट से ब्लास्टोमर्स बनाएंगे 8 ब्लास्टोमर्स तक, अर्ली एम्ब्रियो मतलब अप टू 8 ब्लास्टोमर्स, जायगोट को या अर्ली अप टू 8 ब्लास्टोमर्स तक हम डायरेक्टली इंजेक्ट करेंगे फीमेल फेलोपियन ट्यूब में, जहां पे फर्टिलाइज नहीं हो रहा है लेकिन वो फीमेल अपना यूटेरस में एक बच्चा को डेवलप करने के लिए फेटस को सुइटेबल कर दी। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो विद इन मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स इनटू द यूटेरस, अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स बना के अगर हम यूटेरस में ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, याद रखिएगा। मेडिकल के सवाल है, अप टू 8 ब्लास्टोमर्स अगर ट्रांसफर करेंगे फेलोपियन ट्यूब में ZIFT, सिर्फ अगर गैमेट को ट्रांसफर करेंगे फेलोपियन ट्यूब में GIFT, और अगर हम ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स इनटू यूटेरस करेंगे उसको हम क्या कहेंगे बेटा, इंट्रा यूटेराइन। सो एम्ब्रियो फॉर इन विवो फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन विद इन द फीमेल, इन विवो मतलब फर्टिलाइजेशन विद इन द फीमेल, इज आल्सो यूज फॉर द सर्च ट्रांसफर टू असिस्ट दोज एलिमेंट हू कैनॉट कंसीव, जो फीमेल कंसीव नहीं करता है उनका केस में ये हम लोग करते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू, तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला हो गया। अब बेटा गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर में बेटा जल्दी जल्दी देख लीजिए, मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ आपको, टाइम नहीं है यहाँ पे ज्यादा, आपको फटाफट पढ़ाई करने का है। गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर में अगर बात करेंगे हम लोग तो क्या है बेटा, देख सकते हो यहाँ पे कैथर बोलते हैं, कैथर एक ट्यूब होता है जिसके माध्यम से हम गैमेट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर ऑफ एन ओव्यूम फ्रॉम ए डोनर इनटू फेलोपियन ट्यूब अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओव्यूम, जो जो फीमेल ओव्यूम को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है लेकिन जिसके पास एबिलिटी है कि वो अपना यूटेरस के अंदर एक फेटस को डेवलप कर सकता है,
तो वहां पे एक गैमेट को स्पर्म को एक डोनर मेल से लाके हम क्या करेंगे बेटा, और सॉरी ये एक फीमेल से डोनर फीमेल से ओव्यूम को लाके उनकी फेलोपियन ट्यूब में हम क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, फर्दर डेवलपमेंट के लिए। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में हम लोग देखेंगे बेटा इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पॉर्म इंजेक्शन। सो ये क्या होता है बेटा इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पॉर्म इंजेक्शन, कोई भी बता सकता है मुझे? इनमें क्या होता है लेबोरेटरी प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, कुछ सिंगल स्पॉर फ्रॉम मेल पार्टनर इज इंजेक्टेड इनडायरेक्टली इनटू एग फ्रॉम फीमेल पार्टनर और आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इनटू द वुमेन्स यूटेरस। तो लेबोरेटरी प्रोसीजर में ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, लेबोरेटरी प्रोसीजर में हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग क्या करते हैं सिंगल स्पॉर को लाएंगे और उसी स्पॉर को डायरेक्टली फीमेल की क्या है जो एक है ओव्यूम है उसी एक और ओव्यूम में ये वाला जो है पर्सन उसी एक और ओव्यूम में इंजेक्ट करेंगे और फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होकर एम्ब्रियो जब ब्लास्टोमर्स बनेगा उसको फिर फीमेल के यूटेरस में हम ट्रांसफर कर देंगे। इसको इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पॉर इंजेक्शन, मतलब द स्पॉर डायरेक्टली इंजेक्ट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओव्यूम। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू बेटा? वेरी गुड, तो आगे चलते हैं बेटा। अब क्या है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर सीएचएससी बायोलॉजी एग्जाम ऑल्सो बेटा, मोस्ट रिमेम्बर इट। ये वाला डायग्राम को देखिए अच्छे से, मेल का सॉरी फीमेल का, और ये वाला डायग्राम को देखिए। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में बेटा हम लोग क्या करते हैं, द सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम हस्बैंड और डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू द वेजिना और द यूटेरस ऑफ द फीमेल। जो सीमेन और स्पर्म को डोनर मेल और हस्बैंड से हम कलेक्ट करते हैं उसको आर्टिफिशियली हम क्या करते हैं बेटा कैथोड का माध्यम से, कैथोड ये देख रहे हो कैथोड का माध्यम से, कैथोड का माध्यम से क्या करते हैं फीमेल की यूटेरस में इंजेक्ट करते हैं वाला देखो इंजेक्ट स्पॉर्म में, ठीक है, ये डायग्राम में अच्छे से देखिए इंजेक्ट स्पॉर्म करते हैं। सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज द यूटेरस इज नोन एज इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन और इसको इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन भी कहते हैं। दिस टेक्निक इज यूजफुल फॉर मेल पार्टनर हैविंग इनएबिलिटी ऑफ इंसेमिनेटेड फीमेल और लोअर स्पॉर्म, अगर मेल का केसेस में कैस्ट्रेशन है, रिमूवल ऑफ टेस्टिस है, ज्यादा स्पॉर्म प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, स्पॉर्म इनेबिलिटी है, उनका केसेस में डोनर स्पॉर्म को फीमेल में इंजेक्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैथोड। तो इसको आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन मतलब इंसेमिनेशन मतलब क्यों होता है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिटेड ऑफ स्पॉर्म इनसाइड द फीमेल जेनिटल। तो आर्टिफिशियली हम स्पॉर्म को जो वहां पे ट्रांसमिट करेंगे फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहेंगे। सीएचएससी बोर्ड एग्जाम के लिए बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीएचएससी प्लस टू बोर्ड एग्जाम शॉर्ट नोट मेकिंग 2.5 मार्क के लिए बेटा दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो ऑलवेज रिमेंबर इट व्हाट आई एम टॉकिंग। इज इट क्लियर बेटा ऑल ऑफ यू? ओके वेरी गुड, तो आगे चलते हैं बेटा, लास्ट खत्म हो गया। सरोगेसी क्या होता है बेटा, आप लोग सरोगेसी मतलब क्या सोचते हैं, सरोगेसी मतलब क्या है बेटा, हियर वुमेन सरोगेट मदर कहते हैं, यस ए चाइल्ड फॉर ए कैप्सूल अनएबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन बिकॉज द वाइफ इज इनफर्टाइल और अनएबल टू कैरी, मतलब क्या है बेटा सरोगेट मतलब वो मदर का केसेस में बच्चा हो ही नहीं सकता है, इनफर्टिलिटी इतना है नहीं हो सकता, तो सरोगेट इज इम्प्रेग्नेंटेड तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो प्रोड्यूस है, यहाँ पे हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे इसको सरोगेसी, जो मदर बच्चा नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है बंझा बंजन पैसों ताकि सरोगेसी सस्ते केसेस के ठीक करवा ले आपके सब केसेस का और बार जरूरी है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, तो ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा बेटा। ओके वेरी गुड, तो लास्ट टॉपिक यहां पे देख लीजिए प्रॉब्लम्स ऑफ एआरटी, तो एआरटी करने में क्या-क्या प्रॉब्लम होने का चांसेस है क्या आप लोग यहां पे देख लीजिए। तो क्या है, एक तो इट रिक्वायर हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन, तो ये बात है, तो इसमें आपको हाईली हैंडलिंग करना पड़ेगा प्रिसीजन के साथ, एक कुर्सी के साथ अच्छे से लेबोरेटरी कंडीशन मीडियम होना चाहिए, आपके पास स्पॉर्म को सीमेन को स्टोर करने के लिए -196 लिक्विड नाइट्रोजन होना चाहिए, ठीक है, ये सब होना चाहिए आपके पास अवेलेबल, या इमोशनल रिलीजेशन सोशल प्रॉब्लम ये सब होने का चांसेस है, ये सब मतलब अवेलेबल होना मुश्किल है, ये सब प्रॉब्लम भी होता है सबके पास अवेलेबल, सो लीगल एडेप्टेशन इन वन ऑफ द, सो ऐसे केसेस में आप एक बेस्ट मतलब चाइल्ड कहीं से भी एक बच्चा या बच्ची आप एडॉप्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, सो ये वीडियो को अच्छा लगा तो बेटा मेरा दोस्तों
माइसेल्फ केम सर, मैं आप सभी को बोलता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेस एम फॉर एम्स पे ये वीडियो अपलोड होगा, इसको अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमें और एनकरेजमेंट करते रहिए कि आपको ऐसे वीडियो हम छोड़ते रहे। ओके थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये रिकॉर्ड कर रहे थे क्या?